तनु स्टूडेंट्स, हमने जो वीडियो बनाया था ना ज्वाइंट इंदु फैमिली बिजनेस पे, जो हम टीचर्स पढ़ने पढ़ रहे थे ज्वाइंट ओनरशिप पे, हमारा वो वीडियो बंद हो गया था कुछ कारण के वजह से। अभी हम वही वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्वाइंट ओनरशिप पे हमारा वो कुछ वीडियो पे कारण पे बंद हो गया था। ज्वाइंट ओनरशिप मतलब मैंने बताया था लाइबिलिटी, जैसे कि कर्ता की अनलिमिटेड होती है और को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड जैसे कि सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी की लिमिटेड होती है, वैसे ही को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्योंकि कर्ता है ना जो डिसीजन लेता है, और तो वो लाइबल रहता है अपने पर्सनल प्रॉफिट से पे करने के लिए। तो को पार्टनर्स अपने शेयर जितने पे किए हैं उतने ही शेयर से रिलेटेड वो अपने पे कर सकता है, उतना ही उसका वो रहता है। तो वो को पार्टनर्स को उतना ही पे करना रहता है, तो मतलब उसका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है उसको पर्सनल, और कर्ता को अपने पर्सनल पॉकेट से पे करना पड़ता है उसका अनलिमिटेड रहता है। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट ओनरशिप पे कैसे उनका ओनरशिप है वो बताने के लिए ये पॉइंट किया था। अभी फोर्थ पॉइंट मेंबरशिप। मेंबरशिप जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे मीनिंग में मैंने बताया था कि जैसे कि इनहेरेंट होता है इनमें मेंबरशिप ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, कि जैसे इनवर्ट होता है कि कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो इस बिजनेस का मेंबर हो जाता है, भले कि वो गर्ल चाइल्ड क्यों ना हो इस फॉर्म की वो मेंबर बन जाती है। कि यहाँ पे मेंबरशिप पे कोई भी वो नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, इतने मेंबर्स नहीं होने चाहिए, कोई कोई कितने भी पर्सन हो मेंबर्स बन सकते हैं। अगर करता है तो चार बच्चे हैं तो वो भी मेंबर्स बन सकते हैं, दो बच्चे हैं तो वो भी मेंबर्स बन सकते हैं, अगर उसके बच्चे तो भी बच्चे हैं तो वो भी मेंबर्स बन सकते हैं, कितने भी जनरेशन्स मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबरशिप पे उसके रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और वो मेंबरशिप इनहेरेंट होता है कि जैसे भी बच्चा इनबॉर्न हुआ वो मेंबर होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, और वो एक गर्ल चाइल्ड भी हो तो भी मेंबर होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। क्लियर। मैनेजमेंट, अभी मैनेजमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट जो होता है ना पूरा वो मैनेजमेंट हैंड्स ऑफ होता है कर्ता के हाथ में, कोऑर्डिनेटिंग कर्ता करता है, कंट्रोलिंग कर्ता करता है, डिसीशन मेकिंग कर्ता करता है, सब ऑर्गेनाइजिंग कर्ता करता है, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो करता है। मेन मेन डिसीजन जो होता है ना वो करता ही करता है, बट जो फॉलोइंग डिसीजन है ना वो जैसे कि फॉलोइंग काम है जैसे करता ने बोला वैसे करना है वो उसके सेंस करते हैं। तो मैनेजमेंट आर इन हैंड्स ऑफ द करता एंड फॉलोइंग हैंड्स फॉलोअप आर इन हैंड्स ऑफ द को-पार्टनर्स। क्लियर। और प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग आर ऑन डिपेंड अपॉन द मतलब को-पार्टनर्स एंड करता, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है इसके ऊपर कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे हो। जैसे कि एग्जाम्पल प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट बना हुआ रहता है पार्टनरशिप फॉर्म में, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो रहता है कि शेयर होल्डर्स को इतना मिलेगा या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इतना मिलेगा, बट यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ रेशो नहीं होता है। ये डिपेंड होता है कि कर्ता कितना लेगा, बच्चे कितने लेंगे, डिपेंड होता है हर किसी फैमिली के ऊपर। क्विक डिसीशन, कर्ता डिसीशन क्विक लेता है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि सोल ट्रेडर क्विक डिसीशन लेता है सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन चेंज हुआ कर्ता का भी डिसीशन चेंज हुआ। यहाँ पे फैमिली बिजनेस हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ सोल ट्रेडर हो रहा है, वहाँ पे एक बंदा अकेला बिजनेस कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ पे सिर्फ फैमिली लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो डिसीशन क्विक लिया जाता है। गुड रिलेशन, रिलेशन गुड मेंटेन करके रखते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, और उसके सिवाय अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कस्टमर्स की डिज़ायर फुलफिल करते हैं, मार्केट में गुडविल अर्न करते हैं, रिलेशन अपने कस्टमर्स के साथ गुड रखते हैं। गुड रिलेशन मतलब अच्छा रिलेशन रखते हैं कस्टमर्स के साथ, अच्छी क्वालिटी देना प्रोडक्ट की, उसके बाद डिस्काउंट देना, प्राइस रीजनेबल रखना। क्लियर। फॉर्मेशन मतलब, फॉर्मेशन मतलब इसके लिए फॉर्मेशन कुछ रूल्स नहीं है, जैसे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए फॉर्मेशन पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है। सेकेंड, को-पार्टनर्स और कर्ता क्या है, कर्ता हेड ऑफ द फैमिली है, को-पार्टनर्स मतलब जो उसके सन्स हैं और उसकी डॉटर्स हैं वो, और ज्वाइंट ओनरशिप मतलब ये ज्वाइंटली फॉलो करते हैं बिजनेस, दोनों ही मिलके चलाते हैं, और कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, को-पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। मेंबरशिप, इनके मेंबरशिप पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर्स बन सकते हैं, मेंबरशिप इनहेरेंट होती है। फिफ्थ, मैनेजमेंट, कर्ता डिसीशन लेता है, कर्ता बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, कर्ता सब
प्रोड्यूस सट्टा पे करता है, सब डिसीजन लेता है, फिर फॉलो करते हैं को-पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग डिपेंड रहता है हर किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, क्विक डिसीजन करता, क्विक डिसीजन लेता है, गुड रिलेशन मार्केट में, रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट हो तो कमेंट करें या मेल करें, आई विल आंसर यू। स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।